सो यहाँ एक और ऐसी सेलिब्रिटी गेस्ट हैं जिनको अपनी माँ का अक्स इस बहन में नजर आता है. आइए वेलकम करते हैं सबा फैसल विद सना रशीद. अच्छा, तो आपकी छोटी बहन है. हाँ, तो इनमें नजर आता है ना माँ का. मुझे इनमें नजर आता है. हाँ, वही मैं कहूँ, ये मेरी छोटी बहन है लेकिन मुझे इसमें नजर आता है अपनी माँ का. मेरी मेरे अंदर अम्मा वाली कोई चीज़. मुझे इसमें नजर आता. हाँ ना, वो कभी कभार होता है जब जिसको जिसकी कंधे की जरूरत हो वो माँ लगने लगती है. बिल्कुल, वो वाली चीज है. तो अच्छा, कितना फर्क है आप दोनों में एज का? लाइक आप बताएं, आपको क्या लगता है? गैस नहीं कर सकता भाई. मतलब 4 साल 5 साल 5 साल का. हमारी छोटी वाली में जैसे 5 साल बड़ी है मुझसे ना. अच्छा, मैं 5 साल बड़ी हूँ, सना 5 साल छोटी है. हाँ वही ना. तो बच्चे जब मुझे कोई मिलता है तो वो कहते हैं कि सबा फैसल की बहन है, हम बहुत खुश हुए हैं, लेकिन आप उनसे बड़ी हैं. हाँ, जैसे मुझे हमेशा से कल भी कल परसों भी इंट्रोड्यूस कर, ये बड़ी बहन है निदा की. मैंने कहा बड़ी नहीं हूँ, छोटी हूँ. इसी तरह होता है. मैं इसलिए एम्फेसाइज करती हूँ भाई. हाँ, हम हाई में क्यों बोले बेचारी. और क्या, तो ये छोटी बहन है और आप समझें ये मेरी सादिया से बड़ी बेटी है. अच्छा. हाँ, ये इसको मैं हमेशा बेटी की तरह इसको ट्रीट किया मैंने. आज से नहीं, हमेशा से. हाँ, जब छोटी थी तब से. तो ये वो पिटाइयाँ भी लगाई हैं जिसे वो बड़ी बहनें लगाती हैं? मुझे नहीं लगती थी, मैं बच जाती थी. अच्छा, बाजी सबसे बड़ी थी, मैं सबसे छोटी थी. नहीं, मतलब बाजी ने लगाई हैं आपको? नहीं, जो मुझसे बड़ी बहन है उसे, जो मुझसे छोटी है उसकी पिटाई हो जाती थी. मुझे मार्जिन मिल जाता था कि वो तो छोटी है और तुम करती गलती मैं थी, बट पिटाई उसकी हो जाती है. मतलब क्या ऐसी चीज थी इनके अंदर जो आपको माँ का अक्स नजर आता था इनमें? थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया. क्योंकि सबा बाजी के बच्चे भी आते थे शादियाँ वगैरह, तो वो बताते थे कि ये माँ कैसी हैं. तो मेरा होता था कि कभी मुझे मौका मिले तो मैं बताऊँ कि ये बहन कैसी है. हाँ, ये बेटी कैसी है. हाँ, और ये मतलब बहू कैसी है. वाइफ का तो पता ही है सबको. हाँ, माशाल्लाह. सबा बाजी मेरे ख्याल में मेरे लिए, मैं इन्हें हमेशा माँ कहती हूँ. मैं इन्हें मामा बुलाती हूँ. तो मामा बुलाती हूँ. हाँ, एक जगह पे एक जगह पे हम लोग गए हुए तो बाजी ने मुझे बुलाया. तो मैंने कहा जी मामा. तो वो एकदम मतलब हार्ट अटैक आने लगे. उन्हें हार्ट अटैक आने लगे कि ये आपकी बेटी है. मैं कहा नहीं नहीं, मैं वैसे ही रिस्पेक्ट के तौर पर बोलती हूँ. और सबा बाजी शायद ये ना हो तो मुझे लगता है कि मैं जिंदगी में कोई भी फैसला नहीं कर सकती. वो तो अक्सर जो है वो घर वाले जो होते हैं, अगर बड़ी बहन को मामा या कुछ कह रहे हो, कहते चुप हो जाओ, रिश्ता नहीं होगा. चुप हो जाओ, ये क्या क्या बोल रहे हो? अच्छा नहीं, मैं तो मामा, मैं तो ब्लड हमेशा से शादी से पहले से बोलती है. नहीं, अब ज्यादा अब सही है. वरना वो बड़ी बहनों को भी कहते हैं कि अच्छा चलो आप ही नहीं बोलना, नाम लो. जब बड़ी हो जाती है, जब रिश्तों के करीब आने की बारी होती है. बिल्कुल, तो वो वाली चीज है कि ये तो फीलिंग्स तो आती बहुत. सामने को मुझे कहते हैं जी हिरा मानी, सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं. और अपना बहुत ख्याल रखिएगा. थैंक यू.